सुनो लड़कियों, हमारे कैंप में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हाँ जाइना, हमें इस बारे में पता है, समझ गई ना? हाँ जाइना, ये किस तरह के टीनेजर्स हैं? ये टीनेजर्स नहीं, ये मॉन्स्टर्स हैं। लड़कियों, हम भी टीनेजर्स हैं, लेकिन हम इन लड़कों से ज्यादा तेज हैं। हम उनको बता देंगे कि हम कैसे हैं। हाँ ठीक है ना, बता देंगे। हाँ तो लड़कियों, हमारे कैंप के नियम बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं और गरम भी। तुम्हारा मतलब क्या है गरम से? नास्ता गरम इन बेवकूफ टीनेजर्स के लिए, क्योंकि नियम गरम होने वाले हैं बहुत ही ज्यादा। वैसे लड़कियों, तो क्या हम चले? चलो मोर्शिया, पहले मैं मेकअप कर रही हूँ। नहीं गिगी, पहले मैं। मैंने कहा ना, पहले मैं करूँगी। गिगी यहाँ से हट जाओ, हमेशा पहले मैं ही मेकअप करती हूँ। नहीं, लेकिन आज पहले मैं करूँगी। मोर्शिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं गिगी, मेरी बात सुनो तुम। हेलो लड़कियों, कैसी हो? हाँ तो अपने अपने कमरे छोड़ दो, हम तुम्हारे कमरे में तलाशी लेने वाले हैं। हाँ पूरी तलाशी होगी, हम सब कुछ तलाश करने वाले हैं। कैसी तलाशी? हमने क्या किया है? मेरी पर्सनल चीजों की तलाशी मत करना। क्या तुम लोग मेरे बैग की भी तलाशी लोगी? मार्शिया, अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे बैग की भी तलाशी लेंगे। ठीक है, निकालो। तो देखो, एक डूइट, एक डूइट कवर और एक बेडशीट भी है। हाँ बहुत बढ़िया लड़कियों, ये गुलाबी कंबल भी यही है। डायना चलो अब ये भी लिख लो। ठीक है, तो फिर एक गुलाबी कंबल भी है। क्या पागल हो गई हो तुम लोग? ये तुम लोग बेडशीट और कंबल क्यों लिख रही हो? कोई यहाँ पर गुस्सा नहीं होने वाला। डायना लिखो दो लंबे तकिया के कवर्स और दो साधारण वाले। लड़कियों ये दूसरी चीजों के लिए है। कारण ये है कि हमारे कैंप से बहुत सारी चीजें गायब हो रही है। दो बेडशीट, दो कवर। कोई बेडशीट से कोट बना रहा है बालकनी के बाहर, देख लो। और मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं वेलवेट तकिए के कवर के साथ। हमें फटे हुए तकिए के कवर्स मिले कचरे में। और हमें ये भी शक है कि कोई तकिए के कवर से ड्रेस बना रहा है। हाँ लिखो, चार बाउल भी है। एक भी कपड़े का टुकड़ा नहीं फटा हुआ था वायलेंस से। ये बहुत ही अजीब बात है ना डायना, मुझे तो यही लगता है। ठीक है लड़कियों, तुम्हारा कमरा ठीक है। मुझे बस ये कहना है कि तुम अपने वार्डरोब की सफाई अच्छे से रखो। तुमने कवर्ड की सफाई अच्छे से नहीं की है। हाँ हाँ, हम ये देखने वाले हैं कि कहीं कोई मना की हुई चीज तुम्हारे पास तो नहीं। कल हम पूरी जाँच करने वाले हैं। अगर हमें कुछ भी मिला तो। हमें कैंप में कॉकरोच नहीं चाहिए, समझ गई ना? अच्छे से याद रखना इस बात को। तो फेंक देना अपने चिप्स और स्नैक्स, समझ गए? मोर्शिया क्या तुम्हारे पास है? कुछ चिप्स, जेली, कैंडी, ये सब है। मेरा खाना मैकडोनल्ड्स का एक हफ्ते से खराब हो रहा है, चलो उसे फेंक देते हैं। मोर्शिया क्या हमने शानदार मेकअप किया है? हे भगवान, बहुत बदबू आ रही है मोर्शिया। सफाई करो वरना उन्हें पता चल जाएगा। लड़कियों क्या तुम्हें किसी पर शक है कौन ये सब चीजें चोरी कर रहा है? बताओ मुझे, कौन है जो बालकनी के नीचे जा रहा है, वो भी बेडशीट लेने? डायना ऐसा लगता है सब लोग बिल्कुल उन्होंने बाहर लटकाया और कैंप में वापस अंदर आ गई बेडशीट की मदद से। लड़कियों मुझे सच में जानना है कि कौन ऐसा कर रहा है, कौन कपड़ों के साथ छेड़खानी कर रहा है। लड़कियों आज हम सब कुछ का पता लगाने वाले हैं। हम सब कुछ का पता लगा के ही रहेंगे, चलो लड़कों के पास। ओफो, क्या लड़कियों तुम्हें स्मेल आ रही है, ये कैसी गंदगी है। ओ नो, ये बहुत गंदा है। सच में लग रहा है कोई नहाया नहीं है यहाँ। ठीक है लड़कियों, चलो देखते हैं सब कुछ यहाँ है या नहीं है, देखते हैं। लड़कियों वो शावर में है, क्या तुम सुन सकती हो? हाँ जब हम बाहर जाएंगे तो उन्हें कमरों की सफाई करने बोलेंगे, यहाँ बहुत बदबू आ रही है। लड़कियों ये बहुत बड़ी बात है, कम से कम नहाते तो हैं। वैसे ये देखो, दो रंगीन तकिए के कवर और एक कंबल भी है यहाँ पर। ठीक है चलो, और एक गोल बेडशीट भी है, ये भी लिख दो इसमें। हाँ तो एक गोल बेडशीट देखकर ऐसा लगता है कि हमारे बास्केटबॉल प्लेयर्स भरोसे के लायक हैं और रात में बालकनी से। हाँ तो ठीक है लड़कियों, नास्तिया क्या यहाँ सिर्फ दो ही रंगीन तकियों के कवर है? हाँ नहीं डायना, ये तो सफेद वाले भी हैं। ये रहे एक और ये दो। ओ नो, क्या ये बास्केटबॉलर्स के ही अंडर पैंट्स है? हाँ क्या है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता याना, वो ऐसे अंडरवेयर्स तो नहीं पहनते। ठीक है हो गया ना, क्या यही सारे हैं? और दो लड़कियों के शॉर्ट्स डायना। ठीक है, और क्या है यहाँ पर? दो शॉर्ट्स है। दो शॉर्ट्स, ये कैसे हो सकता है? ये लो डायना, काला और जीन्स शॉर्ट्स, वैसे वो शानदार है, मैं तो दोनों ही पहनूंगी, मुझे पसंद आया। डायना ये पूरा कचरा है, देखकर तो ऐसा लगता है कि हम अपने बास्केटबॉलर्स को अच्छे से नहीं जानते। तो किधर है बास्केटबॉलर्स? शॉवर में। ये लेदर शॉर्ट्स तो शानदार है, ये ब्लैक। ओह ये तो बहुत छोटा है। बास्केटबॉलर्स क्या हम तुमसे बात कर सकते हैं? हाँ हाँ आ गए हम लोग। चिल्लाओ मत। तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो यहाँ पे?
ये एक शॉक कंट्रोल है। तुम्हें पता है हम पिलो केस जांच रहे हैं, बेड लाइनर और बहुत कुछ भी जांच रहे हैं। क्योंकि रात में कोई कैंप से बाहर निकलता है। हम पता लगा रहे हैं कौन ऐसा कर सकता है। हमें नहीं पता। सुनो बास्केटबॉलर्स, क्या तुम्हें चाहिए ये शॉर्ट्स? क्या तुम इन्हें पहनने वाले हो या मैं खुद के लिए इसे रख सकती हूँ? दोस्तों हमारे लिए अच्छी खबर है, सारे बेडशीट इधर ही हैं, इन्होंने रखा है। और पिलो भी। लड़कियों लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों किया है? ये बहुत ही गलत बात है, समझ गए ना तुम लोग? ये ऐसा क्यों किए तुम लोग बताओ? ऐसे लड़कों क्या तुम्हें इनकी जरूरत है? ये हमारे हैं, समझी ना। ओ नो, मैं तो खुश हूँ कि मेरा ब्रवास की ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। याना तुम्हारा ब्रॉस वो कहीं बाहर है। याना उसने अपने शॉर्ट्स लिए और बाहर चला गया है, वो जाकर देखो। ब्रॉस तो लेकर चला गया ताकि तुम उसे जला ना दो। हम तुम्हें बताना नहीं चाहते थे। तुमने शॉर्ट ढूंढ निकाले तो हम तुम्हें बताते हैं। हमारे लिए अभी बहुत छोटी हो। लाइला माफ करना लेकिन हम बड़ी लड़कियों से मिल चुके हैं। क्या? देख लो जरा बास्केटबॉलर्स को। मैं कभी माफ नहीं करूंगी स्माइली को। मैक्स हमने तो एक महीना भी डेट नहीं किया। लड़कियों चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही नए अच्छे बॉयफ्रेंड मिल जाएंगे। तुम्हारी उम्र क्या है? 16, जबकि हमारी नई गर्लफ्रेंड की उम्र 17 है। उन्होंने अपने शॉर्ट्स हमें यादगार के तौर पे दिए हैं। क्या तुमने उनके शॉर्ट्स देखे? तुम्हारे पास तो ऐसे नहीं है, है ना? मैं सच में उसे कभी माफ नहीं करने वाली। यहाँ से निकलते हैं लड़कियों। तुम चिंता मत करो, तुम्हें बॉयफ्रेंड मिलेंगे, सच में मिलेंगे। क्या वो ये सोच रहे थे कि हम उनसे शादी करेंगे? याना कहना बहुत आसान है। लड़कियों माफ करना लेकिन मुझे अच्छा बॉयफ्रेंड चुनना चाहिए था, पहली बार में ही, समझ गई ना? ये गलत हो गया। तुम्हारी जूली किधर है? मुझे नहीं पता, वो अचानक से कैंप से गायब हो गई है। क्या उसने कुछ तुम्हें बताया नहीं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं जल्द ही छानबीन शुरू करने वाला हूँ उसके लिए। किसी ने उसे चुरा लिया है, वो जरूर घर चली गई होगी, मुझे पता है। वो कहीं भी बिना बताए मुझे नहीं जा सकती है, ये बात बहुत ही अजीब है, समझे ना? हे मेड को, तुम लोग यहाँ बैठकर अपनी टांग क्यों गीली कर रहे हो? हाँ हमें देखो, हमें उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। तुम मेंढक हो। मेरी गर्लफ्रेंड को तुमने देखा है क्या? वो कहीं दिख नहीं रही है मुझे। वो गायब हो गई। गजब है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अचानक से गायब हो जाती है और फिर उसके पास तुम्हारे पास हर चीज हो जाती है। हा? सुनो तुम्हें पता है कि ब्रावोस कहां पर है? रवास्त्री को ढूंढना है तो चेयर लीडर्स के पास जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। ठीक है कोस्टा, चलो हम लोग चलते हैं, इन जलपरियों को यहीं रहने दो, अपनी पूंछ साफ कर रहे हैं ये लोग। ए, तुमने हमें क्या कहा? क्या हम लोग स्विमिंग पूल से बाहर आए? हैरान हो जाओगे जब हम बताएंगे चेयर लीडर्स क्या कर रही है। दोस्तों कुछ बहुत ही अजीब सा हो रहा है। तुम हैरान हो जाओगे ये सुनकर चेयर लीडर्स क्या कर रही हैं। हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे, समझी ना? देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। पात्रिक पात्रिक प्लीज अपने कमरे में जाओ और प्लीज सारे गंदे खाने को बाहर फेंक दो। तुम्हें याद है वो वाले सैंडविच जो हमने खत्म नहीं किए थे? उसे प्लीज जाकर जल्दी से बाहर फेंक दो। गीगी ऐसा क्यों? और तुम्हें सारे गंदे खाने को फेंकना पड़ेगा। किसने कहा ऐसा? कौन? चेयर लीडर्स। जिसे जो कहते हैं उसे कहने दो। चलो हम लोग साथ में नहाते हैं, तुम आ जाओ, चलो साथ में नहाते हैं। पात्रिक चेयर लीडर्स पिलो कवर्स और बेडशीट भी चेक कर रही हैं। गीगी क्यों मुझे गुस्सा नहीं आएगा? कोई कैंप से भाग रहा है रात को बेडशीट की मदद से, इसलिए। क्या मेरी जूली बालकनी से बेडशीट की मदद से बाहर भाग गई? सच में यार क्या बोलूं? वैसे मैं तैयार हूँ, पार्टी में जा रही हूँ, ठीक है ना? समझ गई तुम? जाए ना, वैसे भी हम शानदार मेकअप करने वाले हैं। मैं अपने दोस्त से पूछने वाली हूँ कि हमारा मेकअप करेगी क्या। बहुत बढ़िया। लड़कियों क्या तुम सही में पार्टी में जा रही हो? हाँ। लड़कियों क्या तुम मुझे भी अपने साथ लेकर जाओगी? लड़कियों कौन सी पार्टी, लड़की अपना मन बदल सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है नास्तिया, तुम हमारे साथ चल सकती हो, हम याना के घर पे रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे वहाँ पर, ठीक है ना? इसीलिए यहाँ जिन लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं वो पार्टीज में नहीं जाती हैं। याना तुम अभी भी यहीं पे हो, जाओ और जाकर अपने ब्रोस्तुआ को देखो, शायद वो तुम्हें याद कर रहा होगा। मैं भी पार्टी में जाना चाहती हूँ लेकिन मुझे प्रवासी को बताना पड़ेगा। ओ चीयरलीडर्स आखिरकार मिल गई। लड़कों आखिर क्या चाहिए तुम्हें? हमें ब्रावोस से बात करना है, लड़कों ने बताया कि वो तुम्हारे साथ है। सुनो लड़कों हमारे पीछे मत भागो और हमारी तरफ देखना बंद करो, हम लड़कों को नहीं देखना चाहते हैं। इस हफ्ते तो बिल्कुल नहीं। और तुम हम लोगों से क्यों पूछ रहे हो? ब्रोस्तुआ के बारे में हम नहीं देखते उसे, याना से पूछो। प्रवास की कहीं बाहर है, मैं नहीं जानती वो कहाँ है। hey, याना तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ नहीं है, घर पे नहीं है, बाहर नहीं है, तो फिर वो कहाँ है बताओ? हम उसे 9 बजे से ढूंढ रहे हैं, वो कहीं नहीं मिल रहा है, हमें बात करनी है उससे। क्या लड़कियों, क्या तुमने बताया कि वो बाहर गया है चलने के लिए? और ना प्रवास की। याना मुझे लगता है कि अब तुम भी हमारे साथ पार्टी में आ सकती हो। क्या तुम्हें पता है कि ब्रावोस कहाँ है? ठीक है लड़कियों, तुम्हें पता है कि जूली कहाँ है? उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढ रहा है और रो रहा है, समझी ना तुम? वो भी अचानक से गायब हो गई, समझी? अचानक गायब होने की घटनाएं भी आने लगी है। जूली और ब्रोस्तुआ, इसका क्या मतलब हो सकता है? लड़कियों क्या तुम कहना चाहती हो कि ब्रवास की और जूली साथ में मिलकर भाग गए हैं, ऐसा है क्या? शायद। और अब ये साफ हो गया कि बेडशीट की गांठ कौन बनाता है? हाँ ब्रवास की, ताकि जूली बालकनी के नीचे उतर पाए। नहीं लड़कियों मैं ऐसा नहीं मानती हूँ।
डीमा मुझे पसंद है कि जूली ब्रोवोस को पसंद करती है, ये बात तो वो हजम ही नहीं कर पाएगी। वो कर लेगी, वो चीयर लीडर्स के साथ पार्टी में जाएगी। कुछ तो मुझे लगता है कि प्लेयर्स को यहाँ से जल्दी भगाया जाएगा। डीमा तुम्हारी बात सही है, अब बहुत ही मजा आने वाला है। स्माइल, चलो भी कार चालू करो, हमें जल्दी करना होगा। देखो ज्यादा हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, लड़कियां वहाँ इंतजार कर रही हैं। हम उन्हें उनके शॉर्ट्स वापस क्यों दे रहे हैं? देखो उन्होंने हमें अपने शॉर्ट्स दिए थे ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? आओ, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीयरलीडर्स को कुछ तोहफा देना चाहते हैं, है ना? ये प्लेयर्स पागल हो गए हैं क्या? ये मेरी कार में क्या कर रहे हैं? हम अब साथ नहीं है। नहीं, अब हम साथ नहीं है। हमारे बास्केटबॉलर्स ने नई लड़कियां ढूंढ ली है। वो लोग अब हमसे अलग मजे करते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि प्रवास की किसके साथ मजे कर रहा है, वो किसके साथ है? वो शायद जूली के साथ है। याना, उन्हें कार लेने दो और इस कैंप से हमेशा के लिए बाहर जाने दो, समझे ना? हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन ये मेरी कार है, मैं नहीं जाने दूंगा। ए, सुनो दोस्तों, स्माइल जल्दी करो, मैं अंदर आना चाहता हूँ। मैक्स, इसमें पेट्रोल नहीं है, बताओ अब क्या करें? हम लोग, इन लोगों ने गाड़ी खरीद ली लेकिन पेट्रोल नहीं भराते। हे दोस्तों, कहाँ जा रहे हो तुम लोग मेरी कार को लेके, ये बताओ? तुमने अपनी लड़कियों को छोड़ दिया है क्या? हाँ डीमा, गाड़ी की चिंता मत करो और डायना के पीछे भागो, क्योंकि अब वो स्माइल को डेट नहीं कर रही है। हमने उनसे ब्रेकअप कर लिया, हमारे लिए नई लड़कियां इंतजार कर रही हैं। क्या मैं तुम्हारी कार ले सकता हूँ? सुनो बास्केटबॉलर्स, अब तुम्हें अपनी डेट के पास पैदल ही जाना पड़ेगा। लड़कियों, शायद हम प्रवासी को ढूंढ सकते हैं पार्टी में जाने के बजाय। याना, तुम या तो पार्टी चुनो या फिर अपने प्रवास की को चुनो, ठीक है ना? हेलो एंजल, हम मेकअप के लिए तुम्हारा 15 मिनट तक इंतजार करेंगे। तुम कह दो कि हम चार लोग हैं मेकअप के लिए, मुझे प्रवास की से कोई मतलब नहीं है। ये सही फैसला है। अब एंजल, हम चार लोग हैं। लड़को, तुम्हारे तरह तुम्हारी कार भी लूजर है, समझे ना? तो क्या किधर जा रहे हो तुम लोग? पार्टी करने के लिए। स्माइल, क्या हम पैदल चले? उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। कोस्टा, मुझे लगता है कि हमें भी उनकी पार्टी में जाना चाहिए। डीमा, ऐसा मत करो, वहाँ चीयरलीडर्स जा रही हैं, हम नहीं जा सकते हैं। हम जा सकते हैं, चलो हम लोग चलते हैं। दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हम जा रहे हैं मजे करने के लिए, बास्केटबॉलर से बदला लेने। बाय। हम लोग यहाँ पे हैं। तुम चिल्ला क्यों रही हो? यहाँ पे क्या कर रही हो? तो लड़कियों, मैं क्या कह रही थी कि इन लोगों ने ही हमारे सामान चुराए हैं, इनके पास ही हमें सब कुछ मिलेगा। याना, शायद तुम्हें ब्रोस्तुआ के पास वापस जाना चाहिए। पार्टी में मैं चली जाती हूँ इनके साथ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं।